ये मेरा 5वें नंबर पे सर मैंने इसको भरा था। ऐसे मेरा पहला तो बिहार पुलिस सर्विस ही था सर। सर पता नहीं मुझे क्यों मिला नहीं, क्योंकि सर जो मेरा मेडिकल भी हुआ था उसमें भी सब कुछ ही ठीक था, हाइट भी चेस्ट भी। तो डीएसपी में मैं सर थोड़ा देख रहा था कि जो अनरिजर्व उसमें भी अगर महिलाओं का अगर सीट हटा दिया जाए, टोटल 11 सीट, अगर महिलाओं का 4 सीट हटा दिया जाए तो 7 7 सीट बचती। सर मेरे से पहले 3 रैंक हैं, जो 2 7 और 8, जिनको मतलब डीएसपी मिला है सर, मतलब कि जो जिन्होंने लिया है। तो सर इस नहीं हिसाब से मुझे लगता है कि फिर भी अगर जनरल मेरिट लिस्ट में भी देखा जाए तब भी 4 सीट बचती है, और अगर वैसे देखा जाए बीसी में भी देखा जाए, अगर मान लीजिए मेरा प्रीलिम्स में मार्क्स कम है, बीसी से मैं क्वालिफाई किया हूँ, तब भी 2 सीट बचती है। तो सर मेरे को पता नहीं सर, मुझे लग रहा है मेडिकल में ही किया गया है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि बीपीएससी 66वीं का कल शाम रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 685 कैंडिडेट इस परीक्षा के माध्यम से चयनित हुए अफसर बने। हमारे साथ हैं बीपीएससी 66वीं में 9वीं रैंक लाने वाले, 9th रैंक लाने वाले आयुष कृष्णा। आपको बता दें कि फाइनल इनका सिलेक्शन हुआ है और इन्हें अगले महीने यूपीएससी का मेंस भी देना है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आयुष जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर तो आयुष जी अभी कहाँ है फिलहाल आप? अभी मैं दिल्ली में हूँ सर, ओल्ड राजेंद्र नगर। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपने सोचा था कि मेरा बीपीएससी में चयन होगा और टॉप 10 में मैं रहूंगा? सर इससे पहले सर कुछ ही दिन पहले फॉरेस्ट सर्विसेज का रिजल्ट आया था, तो रैंक 6th आई उसमें, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ठीक है अब सिलेक्शन तो हो जाएगा ऐसा लग रहा था, पर सर टॉप 10 का तो सर नहीं लग रहा था। अच्छा, यूपीएससी का आईएफएस के नौकरी में आपका 6 रैंक आया है, जी सर, अभी जो आया था रिजल्ट कुछ दिन पहले। धन्यवाद उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा है आपके रिजल्ट पे कि आपने 9वां रैंक प्राप्त किया है और आपने कल्याण पदाधिकारी का पद लिया है, जो कि मैं देखता हूं कि बीपीएससी में टॉप 10 आने वाले कैंडिडेट की पहली प्राथमिकता वो नहीं रहती। सर मैंने ये मेरा 5वें नंबर पे सर मैंने इसको भरा था। ऐसे मेरा पहला तो बिहार पुलिस सर्विस ही था सर। सर पता नहीं मुझे क्यों मिला नहीं, क्योंकि सर जो मेरा मेडिकल भी हुआ था उसमें भी सब कुछ ही ठीक था, हाइट भी चेस्ट भी, तो सर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर ये ऐसा हुआ क्यों। तो इसका मतलब है आप 9वां रैंक लाए और आपकी 5वीं वरीयता सूची जो है सर्विस के लिए वो कंफर्म हुई है। जी सर, सर क्योंकि सर अगर आप देखें तो डीएसपी में मैं सर थोड़ा देख रहा था कि जो अनरिजर्व है उसमें भी अगर महिलाओं का अगर सीट हटा दिया जाए, टोटल 11 सीट, अगर महिलाओं का 4 सीट हटा दिया जाए तो 7 7 सीट बचती है, और मैं बीसी से भरा था तो उसमें भी अगर महिला का सीट हटा दिया जाए तो भी 4 सीट बचती है, तो टोटल हो गया 11 सीट। और सर मेरे से पहले 3 रैंक हैं, जो 2 7 और 8, जिनको मतलब डीएसपी मिला है सर, मतलब कि जो जिन्होंने लिया है। तो सर इस हिसाब से मुझे लगता है कि फिर भी अगर जनरल मेरिट लिस्ट में भी देखा जाए तब भी 4 सीट बचती है, और अगर वैसे देखा जाए बीसी में भी देखा जाए, अगर मान लीजिए मेरा प्रीलिम्स में मार्क्स कम है, बीसी से मैं क्वालिफाई किया हूँ, तब भी 2 सीट बचती है। तो सर मेरे को पता नहीं सर, मुझे लग रहा है मेडिकल में ही किया गया है सर। प्रश्न उठा रहा हूं कि आखिर टॉप 10 में आए हैं, सीटें हैं, पहला उनका चॉइस है, मेडिकली भी फिट है, बावजूद इसके बीपीएससी ने डीएसपी क्यों नहीं दिया और आपको आपका 5वां चॉइस टॉप 10 में फिर आने का मतलब फायदा क्या होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आप आपसे मैं आगे प्रश्न पूछना चाहूंगा। अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? सर मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार, और मैं क्लास 6 से ही बाहर चला गया था, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर, तो मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ बचपन से, क्लास 6 से 12 हॉस्टल में रहा हूँ। फिर सर 1 साल मुजफ्फरपुर में आके आईआईटी की तैयारी की, फिर आईआईटी गुवाहाटी गया 4 साल, फिर 1 साल उसके बाद बैंगलोर जॉब करा मैंने सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, और फिर 2018 नवंबर में सर मैं दिल्ली आ गया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सर। तो ये थी सर जर्नी। और सर यूपीएससी प्रिपरेशन में मेरा पहला अटेम्प्ट 2019 में था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक जा पाया था पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर 2020 में जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था सर, तो उसके बाद ही मैंने दूसरी बार बीपीएससी को थोड़ा सीरियसली लिया। मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने सर ऐसे ही दे दिया था बीपीएससी, पर जो जब प्रीलिम्स नहीं हुआ यूपीएससी का तो मैंने पहली बार बीपीएससी को अच्छे से दिया, तो उसमें फिर प्रीलिम्स होता है, तो सर उसी का रिजल्ट अभी है। और फिर फाइनली सर उसके बाद यूपीएससी में भी सर मेरा सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज निकलता है, पर सीएससी में मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था सर, फिर फॉरेस्ट सर्विसेज में 6वीं रैंक आई
और सर अभी दोनों क्वालिफाई है, फॉरेस्ट और सीएसई मतलब प्लेन्स। तो आयुष अभी के समय में आपसे पूछा जाए तो आप किसको ज्वाइन करेंगे, फॉरेस्ट सर्विस का आईएफएस में जाएंगे या फिर कल्याण पदाधिकारी बिहार में बनेंगे? सर अभी तो सर ऐसे मतलब मैं सर सीएससी का ही सर अभी सोचूंगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है सर उसके ही मैं ये करूंगा सर। नहीं नहीं अभी के लिए पूछ रहे हैं, मान लीजिए आज की डेट में पूछा जाए तो इन सर अगर बीपीएस मिलता तो सर एक सेकंड को सोचता भी, पर अभी तो सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है सर तो आई वुड प्रेफर दैट सर। अच्छा ये बताइएगा बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी का मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि बीपीएससी आप निकाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं। 108 कट ऑफ आप ही के एग्जाम में किया, सबसे ज्यादा कट ऑफ किया, क्या उसके लिए अब रणनीति रहनी चाहिए? क्योंकि अब ये मान के लोग चल रहे हैं कि अब बीपीएससी पीटी देना है, तो वैसे कैंडिडेट अब काफी आ रहे हैं जो कि पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तैयारी काफी अच्छी है, 110 प्लस आपको पीटी में कम से कम लाना पड़ेगा, तो स्ट्रेटजी उसके लिए क्या रहनी चाहिए जो आज से जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए? सर मैं ऐसा कहूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर देखा जाए सर तो जैसे मार्केट में बहुत अच्छे मैगजीन्स हैं, एक एडुटेरिया का जो मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ रिलीजियसली, तो एडुटेरिया के मैगजीन्स बहुत ही अच्छे सर, तो उससे करंट अफेयर्स आपका हो जाता है। और जहां तक स्टैटिक की बात है जो हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, तो उसको अगर आप प्रीवियस ईयर की मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो तो उनको करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन और यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसको साथ में अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से सर प्रीलिम्स हो जाएगा। यूट्यूब और ये ऑनलाइन जो है कि नया एक विवाद छिड़ा हुआ है कि परंपरागत और जो आज का मॉडर्न जो शिक्षा व्यवस्था है, इसे ऑनलाइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ऑनलाइन टीचर से ई बुक हो गया, ये सब ये ज्यादा अच्छा है या परंपरागत जो ट्रेडिशनल है कि बुक लिए मैगजीन लिए और बैठ के अध्ययन कर रहे हैं वो ज्यादा आपको अच्छा लगता है? सर मुझे तो मैं सर मिक्स मॉडल है मेरा, मैं जैसे नोट्स बनाने होते हैं तो आई प्रेफर कि मैं ऑनलाइन नोट्स भी बनाता हूं, पर मैं उसको फिर फाइनली पेपर पे लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये ध्यान में रहता है कि एग्जाम के दिन मैं कैसे रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको मोबाइल अलाउड नहीं है, जैसे यूपीएससी में भी गैप मिलता है तो मोबाइल आप नहीं ले आ सकते हो, तो फिर उस वक्त क्या रिवाइज करूंगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं पेपर पे नोट्स बनाता हूं। और बाद बाकी सर लेक्चर्स वगैरह तो ऑनलाइन मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि सर क्लास जाने में टाइम भी बचता है बहुत बार, और तो ये है सर मतलब दोनों मोड मेरा रहता है सर। ऑप्शनल आपका क्या है आयुष? सर मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है सर। फिजिक्स है, अच्छा ये बताइए बीपीएससी में आए आप, जीएस और यूपीएससी के लिए भी जीएस मेंस में काफी अहम पेपर होता है, और बीपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है पहले ऐसा नहीं है कि मौर्य कलाप और ये सब जो एक वन लाइनर क्वेश्चन होता था मेंस में, अब है कि उसको कंपेरेटिव उसमें डिस्कशन होता है, फिर से दूसरे कला को जोड़कर और फर्स्ट पेपर को लेकर, फर्स्ट पेपर में भी चेंजेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बात करते होंगे, आप देखे होंगे, फिर से अगर हम बात करें पेपर सेकंड में उसका क्वेश्चन बड़ा ही कहे तो अलग होता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए रणनीति? सर पेपर वन तो मुझे लगता है सर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि सर आपने जैसे बताया कि जैसे पटना कलम है तो पटना कलम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो एक टेल है मतलब, पर जो कोर पार्ट है वो प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है सर, और पेपर वन तो कंपैरेटिवली काफी प्रेडिक्टेबल है, पेपर टू में सर जिसमें करंट अफेयर्स आ जाता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, पर पेपर वन सर मेरे हिसाब से काफी प्रेडिक्टेबल, और मैथ्स उसमें बहुत जरूरी है सर सही करना, क्योंकि वो अगर सही हो जाता है तो फिर सर एक मार्क्स जो है डायरेक्टली 80 या 70 नंबर का आता है वो डायरेक्टली बूस्ट हो जाता है सर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बोलूंगा सर। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे आप, और इसके अलावा फिजिक्स जो है, फिजिक्स सबसे पहले यही बताइए कि कोचिंग की है या खुद से सेल्फ स्टडी की है? सर फिजिक्स के लिए मैंने डायस कोचिंग किया था, पर वो यूपीएससी के लिए किया था सर, और बाद बाकी बीपीएससी के लिए मैंने फिजिक्स सर खुद से ही किया। और जीएस के लिए? जीएस के लिए सर एज सच मतलब मैंने सर कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया यूपीएससी के लिए भी, तो पर बीच बीच में क्रैश कोर्स वगैरह करता हूँ, पर मैंने बीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग का कोर्स एडुटेरिया में भी ज्वाइन किया था और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है दोनों में ज्वाइन किया था, तो मैं दोनों में आंसर लिख। इंटरव्यू आपका कब पड़ा था, किसके बोर्ड में, ये सब कुछ पता है आपको कि किसके बोर्ड में पड़ा था? सर इंटरव्यू सर मेरा 6 जून को था, 5 को मेरा प्रीलिम्स था यूपीएससी का और 6 को इंटरव्यू था, तो मैं दिल्ली में प्री दे के फिर शाम में ही फ्लाइट पकड़ के पहुंचा था पटना, सुबह ही 9 बजे मेरा इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू
तो बहुत हेक्टिक हो गया था सर, पर इंटरव्यू बोर्ड सर तो नहीं आ रहे, पर छठ मेरा सर वही मतलब जो 15-16 मिनट वैसे ही जो चलता है सर, वैसे ही चला। क्वेश्चन याद हो तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। क्वेश्चन याद सर, वो एक क्वेश्चन चल रहा था उस वक्त, बिहार में पुल गिर गया था हवा से, मतलब कहीं तो उस पे चर्चा हो रही, हाँ तो वो चर्चा हो रही थी कि पुल कैसे गिरा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। उसके बाद फिजिक्स के काफी क्वेश्चन थे, बुद्धिस्ट सर्किट पे क्वेश्चन थे फिजिक्स में, जैसे E=mc² आइंस्टीन की थ्योरी है, तो मास कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है, तो फिजिक्स ऑप्शनल से काफी सब्जेक्ट थे, क्वेश्चन थे। और मतलब जो मतलब थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन है वो मोस्टली जो है सर पुल के बारे में ही था, कि तुम अगर पुलिस हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस होगा, किसको पकड़ोगे, यही सब था। अच्छा चलिए, तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कल लगभग 9 बजे के आसपास रिजल्ट आया कल रात को, रैंक देखे होंगे, बड़ा खुशी हुआ होगा, पद देखे क्या, जो पोस्ट देखे उसके बाद क्या मन में आया? सर मुझे, मैं आई वॉज सर, मैं ट्राई कर रहा था सोचने का कि मेडिकल में कुछ ऐसा तो बोला गया हो, या क्योंकि सर मैं ऑलरेडी सर यूपीएससी का भी पहले मेडिकल दे चुका हूँ सर, तो उसमें मैं सर आईपीएस के लिए एलिजिबल, तो मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ पे भी जब मेडिकल चल रहा था सर, तो जैसे हाइट हुआ, चेस्ट हुआ, तो क्योंकि सर एक है कि सब ठीक है ना, सब पूछ लेते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का हाइट कम होता है तो उनको पता एलिजिबल नहीं हो, उनको पता भी मतलब एक सर पता चल जाता है वहां पे कि आपका नहीं है, क्योंकि सर कभी कभी होता है ना कि चेस्ट आप ठीक से नहीं फुलाए, तो आपको बोलते हैं कि ठीक से फुलाओ क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे हैं, तो क्योंकि स्टूडेंट को हो सकता है नहीं पता हो, तो सर कोई भी दिक्कत ऐसी एक बार भी नहीं आई, मतलब फर्स्ट टाइम में ही मतलब हाइट भी नाप लिया गया, चेस्ट भी, मतलब सर मतलब और कलर ब्लाइंडनेस, मतलब सब कुछ सही था 6x6, मतलब तो सर वही मेरे को लग रहा है सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ वो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। हम लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है आयुष, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं टॉप 10 में, 3-4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया, पहली च्वाइस डीएसपी थी, बावजूद हमें सीटीओ दे दिया गया, कल्याण पदाधिकारी दे दिया गया, ऐसा कैसे हो गया? ये भी हम भी प्रश्न उठा रहे हैं बीपीएससी में, क्योंकि आपको बताया कि आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस और बीपीएससी मतलब एसडीएम डीएसपी, यही लोगों के मन में चलता है। तो आपके घर मुद्दा को हम लोग उठाएंगे, क्योंकि आप भी आश्चर्य में हैं कि हम टॉप 10 में आए, मेरी कोटे की सीट भी थी, बावजूद इसका मेरा डीएसपी नहीं मिला, 5वां प्रिफरेंस कंफर्म हुआ। तो चलिए, आपको आयुष जी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और हम आशा करेंगे यूपीएससी में जिस पद पे आप जाना चाहते हैं उस पद पर आपका चयन हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और इसके साथ साथ बिहार में भी आपके साथ न्याय हो। आपने मुजफ्फरपुर का होते हुए बहुत ही अच्छा अच्छा उपलब्धि हासिल की है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऑल इंडिया सर्विस है 6ठा स्थान प्राप्त किया है, बीपीएससी में 9वां स्थान प्राप्त किया है, और हम आशा करेंगे यूपीएससी में भी आपका अंडर 10 ही स्थान हो। तो आयुष जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।